व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे KCET एग्जामिनेशन के बारे में और आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया कर्नाटक का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, क्या जेईई मेंस का एग्जामिनेशन भी इस बेसिस पे हो सकता है, मतलब जो SOP दिखाया गया था वो सच्ची में उसके पालन हुए हैं, स्टूडेंट्स की क्या राय है, स्टूडेंट्स ने क्या ट्वीट किया और सरकार ने इसके बारे में क्या बताया, तो पूरा अपडेट आपको मिलने वाला है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। चैनल के सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपको बता दूँ SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एग्जामिनेशन होने वाला था 30 जुलाई 31 जुलाई को जो हो रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर SOP रिलीज की थी ऑफिशियल वेबसाइट पे, KCET के मतलब उनके जो एग्जामिनेशन वाले जो कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और सरकार को भी दिया था कि एग्जामिनेशन इस बेसिस पे लिया जाएगा, तो सरकार ने माना और एग्जाम कराने के लिए वो तैयार होगी। उसके बाद आप देख सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन किया गया, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो लगभग 60 कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स पाए गए, 1.94 लाख अपीयर हुए थे CET एग्जामिनेशन में इन कर्नाटक का, तो इससे तो साफ लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स का रिएक्शन आप देख सकते हो, एक स्टूडेंट ने लिखा, आई थिंक KCET मीन्स कर्नाटका कोविड एंट्रेंस टेस्ट, आई थिंक द गवर्नमेंट मस्ट लुक आफ्टर मेजर्स टू बी टेकन। तो देख सकते हो आप किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियाँ उड़ा दी गई और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हुआ, तो एग्जामिनेशन जो इस तरह से लिया जाएगा तो क्या हो सकता है। आपको पता है जेईई मेंस एग्जामिनेशन में लगभग और नीट एग्जामिनेशन में 25 लाख बच्चे दोनों एग्जामिनेशन को मिला देते होते हैं टोटल, इसमें देख सकते हो आप लगभग 1.5 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, वो डेटा मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और क्या स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो आपके सामने है। उसके बाद कुछ और ट्वीट देख सकते हो, नो सोशल डिस्टेंसिंग इन #KCET एग्जामिनेशन इन बैंगलोर, देर इज अ कैरियर टू मोर स्प्रेडिंग #COVID-19 इन्फेक्शन, UGC योर गाइडलाइंस आर लाइक रबिश थ्रू इन द डस्टबिन, जैसे देख सकते हो #CancelExamInCOVID। उसके बाद RP निशंक को टैग किया गया, फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि दो गज की दूरी मतलब 6 फीट, तो यहाँ पे तो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। जैसा कि देख सकते हो जो SOP रिलीज किया गया था उसमें बताया गया कि लगभग 1,84,368 स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया और एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। उसके बाद डिप्टी CM ने क्या कहा, जैसा कि देख सकते हो 60 COVID-19 पॉजिटिव स्टूडेंट्स वेयर अमॉन्ग द 1.47 लाख हु अपीयर फॉर द कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग एंड अदर कोर्सेज विच बिगेन ऑन थर्सडे। तो देख सकते हो लगभग 1.5 लाख बच्चे अपीयर होते जिसमें से 60 कोविड पॉजिटिव है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो कोविड पॉजिटिव पाया गया ये कैसे पाया गया, तो मैं आपको बता दूं मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट्स जो कोविड के जो कोविड पॉजिटिव हैं उनको शायद हॉस्पिटल से लाया गया एग्जामिनेशन दिलाने के लिए प्रॉपर एम्बुलेंस में, तभी तो पता चल पाएगा कि कोविड पॉजिटिव है, नहीं तो एग्जामिनेशन के दिन कैसे पता चलेगा कि ये कोविड पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स को लाया गया एग्जामिनेशन देने के लिए, और इसका देख सकते हो आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, सरकार बोल रही है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, लगभग 1.94 लाख स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था जिसमें से 1.47 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे फर्स्ट डे, 3-डे टेस्ट है मतलब 30 जुलाई 31 जुलाई और 1 अगस्त, तो अभी 2 दिन का डेटा आना बाकी है। अटेंडेंस की बात करें तो 75% अटेंडेंस रहा और 497 सेंटर्स पे बच्चे एग्जामिनेशन दिए। ये जो वहाँ के डिप्टी CM है CN नारायण, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि 60 स्टूडेंट ऐसे थे जो कोविड पॉजिटिव थे जिसमें से 12 सिटी के थे, और इन्फेक्टेड कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स को स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था, उनकी सेपरेट सेटिंग की गई थी एग्जामिनेशन में ताकि दूसरे बच्चे इससे इन्फेक्टेड ना हो, और एग्जामिनेशन के बाद इनको प्रॉपर ड्रॉप किया गया डिपार्टमेंट के एम्बुलेंस से उनके जगह पे जहाँ पे भी वो क्वारंटीन में है या फिर अगर उनका डायग्नोसिस हो रहा है तो वहाँ पे। तो मतलब जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स थे उनको भी एग्जामिनेशन देने के लिए लाया गया, तो जैसे आप सोच सकते हो कितने खतरे वाले ये बात है। उसके बाद जैसा कि देख सकते हो KCET एग्जामिनेशन की एनालिसिस करें तो मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स ने कहा है कि बैड अरेंजमेंट, अच्छी अरेंजमेंट नहीं थी, नॉट फॉलो ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, मतलब 31 मतलब 30 जुलाई को जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं किया गया,
इस तरह से कंडक्शन किया गया केसीईटी एग्जामिनेशन का, प्योरली फेलियर है ये कंडक्शन। और स्टूडेंट्स अब डिमांड करने लगे हैं फिर से कि जेई मेंस और नीट एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। जब आप 1.5 लाख बच्चे में आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप 25 लाख बच्चे को कैसे संभालोगे? मुझे तो ये सोच के भी आश्चर्य लग रहा है। तो गवर्नमेंट का टोटल फेलियर था बच्चे के हिसाब से। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया उसको भी सुन सकते हो आप। स्मूथ कंडक्ट ऑफ SSLC प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, स्टेट गवर्नमेंट प्रोसीडेड विथ होल्डिंग द CET फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मा कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन होता है। सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर COVID-19 स्टूडेंट्स एंड दे फेस द एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा कि प्रॉपर अरेंजमेंट था लेकिन बच्चों का क्या कहना है आपके सामने है। प्रिकॉशनरी मेजर के लिए मास्क और सैनिटाइजर मैंडेटरी थे। तो ये तो सरकार का कहना है। जैसा कि देख सकते हो मैक्सिमम 24 स्टूडेंट्स अलाउ किए गए थे एक एग्जाम रूम में, एक एग्जामिनेशन हॉल में, और उनको प्रॉपर गाइडलाइंस के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एग्जामिनेशन उनको दिलाया गया। अब जो ये जो एग्जामिनेशन हुआ सरकार ये कह रही है बच्चे कुछ और कह रहे हैं, तो दोनों का जो बात है वो मैच नहीं कर रहा। बच्चे चाहते हैं कि एग्जामिनेशन ना हो। अगर जेईई मेंस का एग्जामिनेशन अगर इस तरह से लिया जाएगा तो आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। तो आप कमेंट करके अपना राय जरूर से बताना। ये जो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये न्यूज़ आउटलेट से आप चेक कर सकते हो। मैंने न्यूज़ की कटिंग आपको स्टार्टिंग में दिखा दी, आप सिंपली चेक कर सकते हो। उसके बाद ये जो भी इनपुट है ये PTI के हवाले से आया है। नारायणा ने कहा कि जो वहाँ के डिप्टी CM है कि काउंसलिंग इस साल टोटली ऑनलाइन होगी, तो ऑनलाइन बेसिस पे लिया जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है मैं आपको डिस्कस कर लूँ, 5 कोविड इन्फेक्टेड स्टूडेंट हु अपीयर फॉर एग्जाम एक्सप्रेस देयर सेटिस्फेक्शन ओवर अरेंजमेंट मेड इन द कॉलेज। अब बता दो टोटल 60 कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट थे, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट था और उनके जो संपर्क में आते उनको भी कोविड होने के चांसेस थे। जो 5 कोविड पॉजिटिव जो स्टूडेंट है उनके लिए तो व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन जो 1,46,000 बच्चे हैं क्या उनके लिए भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग किया गया, प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल को सैनिटाइज किया गया? तो ये सरकार के ऊपर बात आती है। तो और भी जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और आज का एग्जाम एनालिसिस और कल का एग्जाम एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप कमेंट करके जरूर से बताना है क्या जेईई मेंस एग्जामिनेशन इस आधार पे हो सकता है या फिर नीट एग्जामिनेशन हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।